नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अंतरा क्रिएशंस के एक और नए वीडियो में। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये एरिया है मेरे एंट्रेंस का और यहाँ पर मैंने ये दोनों तरफ ये मनी प्लांट लगाया हुआ था। ये मनी प्लांट तो काफ़ी अच्छा हो रहा है क्योंकि मैंने कुछ महीने पहले इसकी रिपोर्टिंग की थी, इसमें खाद पानी दिया था तो ये बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। बट इसके ना ये टहनियाँ जो है इधर उधर हो रही हैं, इनको मुझे संभालना है और इस पूरे एरिया को मुझे थोड़ा ठीक ठाक सा करना है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने जो नेट में कुछ प्लांट लगाए हैं, यहाँ ना कुछ घंटों के लिए बहुत तेज़ धूप आती है तो कुछ पौधे मेरे ऐसे हैं जिन्हें ज़्यादा धूप नहीं चाहिए। और ये एरिया जो है मेरा, ये है मेरी किचन की विंडो, अंदर से इसमें ग्लास का डोर है और ये बाहर से नहीं खुलता है, बाहर से पूरा जाली से कवर है तो हमें इतना स्पेस मिल जाता है। मैं ये एरिया मतलब यहाँ ज़्यादा धूप नहीं आती तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर भी कुछ ऐसे जुगाड़ करके, वैसे मैंने कुछ प्लांट्स रखे तो थे बट अभी ना ये देखिए कुछ सूख गए हैं, कुछ गर्मी से ख़राब हो गए हैं, उधर रखे थे और शायद किसी में ज़्यादा पानी पड़ा या क्या हुआ ये। तो मैं इस एरिया का भी मेकओवर करना चाहती हूँ और जो प्लांट ज़्यादा धूप में हैं उन्हें यहाँ शेड में रख दूंगी तो इस एरिया को भी हम थोड़ा सा ठीक ठाक कर लेंगे। दोस्तों कितनी गर्मी पड़ रही है आप देख ही रहे हैं, हम इंसानों का बुरा हाल है और ये बेजान पौधे तो क्या करें, इनका सुबह शाम पानी देने के बाद भी ऐसी हालत हो रही है इनकी कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा एग्लोनीमा का प्लांट, मैंने जब से इसे यहाँ शेड में रखा है ना तब से ये थोड़ा सा अच्छा हो रहा है। देखिए पहले ये थोड़ा धूप में था तो इसकी पत्तियाँ ऐसे झुलस रही थी, झुलस गई थी मतलब ये देखिए अब जो नई लीव्स आ रही हैं वो थोड़ा हेल्दी और अच्छी मतलब आ रही हैं। गर्मी कितनी हो रही है बाप रे। दोस्तों बाहर का काम है लेकिन ये एरिया मेरा बालकनी में है, इसके आगे से फिर पोर्च है। यहाँ धूप का कोई उसे उतना ज़्यादा तो मतलब नहीं है इस समय, लेकिन ना उमस और गर्मी इतनी है कि मैं क्या बताऊँ। और काम भी किस समय किया जाए दोस्तों, सुबह से ही इतनी तेज़ धूप हो जाती है, शाम 6-7 बजे तक धूप रहती है, गर्मी तो दिन भर रात भर रहती है तो लेकिन काम तो करना है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें तो उतना नहीं लग रहा था कि इतना ये होगा लेकिन जब मैंने इसकी हर एक इसको निकाला ना टहनी को तो ये तो ऐसा लग रहा है कि कितना बड़ा हो गया है, इसको कैसे संभालूं मैं अब तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों समय समय पर इनको भी संभालते रहिए तो ये वरना अपनी मनमानी करते रहते हैं। इसको मैं ऐसे डोरी से बांध देती हूँ जगह जगह पर ताकि ये पूरा अच्छे से संभल जाए। इसका काम तो हो गया है, इसको हम यहाँ रख लेते हैं। जैसे मैंने इसको किया है ना अब ऐसे ही मैं दूसरे वाले को भी सेट कर लेती हूँ। मैंने दोनों को ठीक कर लिया है, ठीक में इसको पूरा सा लपेट करके अच्छे से बांध लिया है। अब ये ऊपर की तरफ बढ़ेंगे ना तो मैं इनको मतलब धीरे धीरे करके ऐसे ही लपेटते जाऊँगी ताकि ये फैलेंगे नहीं इधर उधर, ठीक है। ये दोनों तो ठीक हो गए हैं और मैंने इसमें थोड़ा मिट्टी भी डाल दी है, इसकी थोड़ी गुड़ाई भी हो गई है। देखिए इसके लीव्स देखिए कितने बड़े बड़े, जो मैंने खाद वगैरह इसमें डाली थी वो काफ़ी अच्छे से इसको लगी है, मनी प्लांट काफ़ी अच्छा। तो अब बढ़ते हैं इस तरफ दोस्तों, यहाँ पर जो मेरा ये कॉर्नर है, कॉर्नर में ये स्पेस है, मुझे यहाँ थोड़ा सा और जगह चाहिए। तो जगह चाहिए मतलब जगह तो हमारे पास इतनी ही है, इसको हम थोड़ा सा और कैसे बढ़ा सकते हैं तो ये यहाँ पर कुछ मुझे जुगाड़ करना है। मैं इसको कैसे करूँगी आपको बताती हूँ अभी। ये है, इसको मैं यहाँ पर ऐसे अटैच करूँगी दोनों को, या आप नीचे से भी कर सकते हैं ऐसे और ऐसे भी कर सकते हैं। फिर इसको यहाँ पर या तो इसको आप हैंग करने वाला बना सकते हैं ऐसे या फिर ऐसे दीवार पर
अटैच कर सकते, मतलब पूरा फिक्स कर देंगे। या तो आप जैसे निकालना है, आपको कभी निकाल लिया या ऐसे लगा दिया ऐसे, और इसके आप हाइट भी बढ़ा सकते हैं। आप मतलब हाइट बढ़ाना मीन्स आपको ऊपर नीचे शिफ्ट करना है तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ आपको अगर फिर सिंगल मतलब ऐसे ही रखना है तो उसमें रख दिया, फिर इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया। अगर आप इसमें इसको फिक्स नहीं करेंगे तो यहाँ पर तो फिक्स करेंगे अच्छे से, तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसको यहाँ पर हम पहले फिक्स कर लेते हैं। ये मैंने इसको उसमें ऐसे अटैच कर लिया है जी, दोनों तरफ से मैंने कर लिया है। अब ये मजबूत हो गया है। इसको आप चाहे तो मतलब इसको ऐसे भी रख सकते हैं, यहाँ का स्पेस थोड़ा सा हमें बढ़ा हुआ मिल जाएगा। और अगर आपको यहाँ इतना ही चाहिए, इसको ऊपर अगर हम मतलब मुझे थोड़ा सा और जगह चाहिए कि ये तो इतना है और बाकी इसको मैं इधर लगा दूँ तो ये भी ठीक लगेगा, बट फिलहाल मैं अभी इसको यहीं लगाती हूँ। ठीक है, इसको मैंने यहाँ फिक्स कर लिया है दोस्तों। ये देखिए ऐसे ये बिल्कुल मजबूत हो गया है। और अब जब चाहे हम इसको ऐसे हटा सकते हैं और दूसरी जगह ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो ये हमारा स्पेस हमें ज़्यादा मिल गया। अब बारी आती है कि यहाँ भी मुझे ऊपर भी कुछ प्लांटर हैंग करने हैं, तो यहाँ पर भी मैं कुछ करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर तो मैंने इस स्पेस का काफ़ी अच्छा यूज़ कर लिया है और यहाँ पर इतने प्लांटर मेरे आ गए हैं। ये देखिए आप, नीचे भी मैंने ये दो पॉट रख दिए हैं। दोस्तों मेरे पास ना कुछ लकड़ी के पीस भी पड़े थे काफ़ी समय से, तो इनका भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं ड्रिल से इन सभी लकड़ी के पीस में होल कर लेती हूँ, फिर देखते हैं इनका यूज़ मैं कैसे करूँगी। तो अभी तो मैंने ना इन सभी लकड़ी के पीस में होल कर लिया है, लेकिन मुझे अभी सिर्फ एक ही वॉल के लिए हैंगिंग बनाना है, तो मैं सिर्फ दो ही पीस का यूज़ करूँगी, बाकी पीस का यूज़ मैं फिर कभी किसी DIY में करूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास ये लाइलोन की डोरी है। दोस्तों ये डोरी ना काफ़ी मजबूत होती है और ये सालों साल तक ख़राब नहीं होती, तो यहाँ मैं इस डोरी की हेल्प से इन टुकड़ों के साथ जोड़ के एक हैंगिंग बना दूँगी, जिसमें मैं ना अपने DIY प्लांटर रखूँगी उस वॉल पे हैंग करके। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरा हैंगिंग बन गया है और मैं अपने इसमें दो DIY प्लांटर रख देती हूँ। तो चलिए अब यहाँ का फाइनल लुक देख लेते हैं। इस विंडो का मैंने पूरा बहुत अच्छे से यूज़ कर लिया है और इसमें मैंने सेकेंड स्टेप भी बना ली है और इसमें ग्रीन ग्रास लगाकर इसे एक बहुत सुंदर लुक दे दिया है। और यहाँ पर ये देखिए, मैंने दो दो के जोड़े में ये हैंगिंग प्लांटर्स भी हैंग कर दिए हैं। सामने की वॉल पर लगे हैं हमारे ये अंकल आंटी प्लांटर्स। और अब आते हैं इस तरफ, इस वॉल पर लोहे की ग्रिल लगी है जिसमें मैंने काफ़ी सारे प्लांटर हैंग किए हैं दोस्तों, और ये काफ़ी सालों से यहाँ पर लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। दोस्तों अभी सामने से ना धूप पड़ रही है तो शायद आपको कैमरे में अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, पर सामने से देखने में ना काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। तो ये मेरे एंट्रेंस का एरिया है, तो जितनी बार भी मैं अंदर बाहर जाती हूँ तो इन पौधों पर बार बार नज़र पड़ती है। इन पौधों को देखकर मन हमेशा बहुत खुश हो जाता है। इन दो DIY प्लांटर्स के साथ मैंने नीचे एक और DIY प्लांटर रखा है जिसमें मैंने फेरी गार्डन बनाया है दोस्तों। तो ये मैंने DIY प्लांटर रखा है इस स्टैंड पर। तो दोस्तों इस स्टैंड को ना मैंने अपनी लोकल नर्सरी से ही परचेज किया था और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी मजबूत भी है। तो और मैंने इसके साथ साथ दोस्तों कुछ ऑनलाइन शॉपिंग भी की थी। मैंने इस तरह के कुछ स्टैंड और मंगाए थे ऑनलाइन, ये मुझे मिले हैं 4 स्टैंड। ये काफ़ी अच्छे हैं बट ये लो मतलब लाइट वेटेड हैं और इसमें एक स्टैंड में 3 प्लांटर्स की जगह है, तो मैंने ये 4 मुझे मिले थे। और इसके साथ ही साथ मुझे ये कुछ मैंने ब्रैकेट्स भी मंगाए थे जिन्हें हम हैंगिंग प्लांटर्स के लिए यूज़ करते हैं। दोस्तों हम गार्डनर्स के पास ना कितने ही प्लांट्स क्यों ना हो, कितने ही प्लांटर्स क्यों ना हो, कितने ही स्टैंड क्यों ना हो, फिर भी हमारा मन कभी नहीं भरता। तो मैं इस तरह की चीज़ें ना अक्सर मंगाती रहती हूँ। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा और जब मैं इसे वॉल पर हैंग करूँगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो अभी अभी मुझे एक पार्सल और रिसीव हुआ है दोस्तों। मैंने कुछ दिनों पहले एक और ऑनलाइन शॉपिंग की थी और वो इसमें क्या है हम देखते हैं। चलिए, तो ये मैंने ऑर्डर किया था दोस्तों अमेज़ॉन से। ये मैंने 2 ग्रो बैग्स मंगाए थे, ये मैं पहली बार मंगा रही हूँ ग्रो बैग्स।
अभी इससे पहले मैंने नहीं की है ग्रो बैग्स की शॉपिंग। ये मैंने कुछ ना बड़ा ग्रो बैग मंगाया था, तो मैं इसमें सोच रही हूँ कि कुछ बड़े प्लांट्स जैसे बेल वाले पौधे लगाने के लिए मंगाया था, तो देखते हैं इसमें मैं क्या लगाती हूँ। दोस्तों गार्डन के लिए तो मैं अक्सर कुछ ना कुछ शॉपिंग करती ही रहती हूँ, पर आज इसके साथ साथ मैंने अपने लिए भी कुछ शॉपिंग की है। मैंने यहाँ अपने लिए जोक से एक ये प्यारा सा हैंडबैग लिया है। ये एक वीगल और प्राउडली इंडियन ब्रांड है। जूक के प्रिंट इंस्पायर्ड हैं इंडियन हेरिटेज और कल्चर से, तो यहाँ पर मैंने ये ब्लू प्रिंट का हैंडबैग मंगवाया है जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और मुझे ये काफ़ी पसंद आया है। जूक में आपको हैंडबैग, पर्स, फुटवेयर और स्कार्फ्स की ढेरों रेंज मिल जाएंगी। दोस्तों ऑनलाइन शॉपिंग की तो बहुत बातें हो गई हैं, अब मैं जा रही हूँ मार्केट की तरफ अपने इस न्यू बैग के साथ। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड यूज़ करके आप डिस्काउंट पा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।